तो गाइस आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है मेरी इस नए व्लॉग में। तो आज हम आए हैं जूनागढ़ शकरबाग में। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ज्यादा सुंदर नजारा है और इधर बाघ, चिड़िया, सफेद बाघ, पूंछड़ी वाले बाघ, बिना पूंछड़ी वाले बाघ, बहुत सारे जानवर होते हैं और लास्ट में फनी वाले बंदर भी आएंगे, वो जरूर से देखना। और इधर म्यूजियम भी है गाइस, देख सकते हो ये म्यूजियम है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो गाइस हम आए हैं म्यूजियम में। तो इधर बहुत सारी जानवरों को पकड़ने की चीजें हैं। तो ये सब उसका नाम तो पता नहीं है, तो ये सब कुछ चीजें हैं और ये कुछ रॉड है और ये इंजेक्शन है, ये भी कुछ इंजेक्शन तरह ही है और ये पता नहीं क्या है। उधर गन भी है, देख सकते हो गाइस, इससे जानवर का शिकार होता है। और इधर M10 पड़ी हुई है, इधर कोई और गन, इधर इंजेक्शन, इसे गन से शूट होने वाला। एंड गाइस ये देखो, ये है स्कल, हिरन का स्कल। गाइस ये अलग अलग है, छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा है। तो आ जाओ इधर, अभी चलते हैं आगे। ये और एक खोपड़िया है, तीन खोपड़िया, ये छोटी, सबसे छोटी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। ये फॉक्स का है, ये वुल्फ का है। तो गाइस ये बियर का है, रीच का है ये स्कल, और ये पता नहीं कुछ अजीब से जानवर का है। तो गाइस ये देख सकते हो टाइगर का स्कल है, बाघ का, और ये लायन का देख सकते हो, बहुत ज्यादा अजीब है। दांत देख सकते हो गाइस उसका कितना ज्यादा बड़ा है दांत, और ये लेपर्ड का है, ये लेपर्ड का। तो गाइस ये गुरखर का है, उस कच्छ में जो गधा होता है उसको गुरखर बोलते हैं। ये देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है, कम से कम मेरे हाथ इतने हाथ जितना है। और गाइस ये रेड जंगल वुल्फ एग है, ये छोटा सा एग देख सकते हो, ये रेड जंगल वुल्फ एग, और ये टर्की एग, ये वॉलंटियर एग, इमू एग, अजीब अजीब से नाम है। और ये सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच है, ये देखो ये जो चोंच देख रहे हो ये फ्लेमिंगो की है। तो गाइस चलो अभी हम आपको जिंदा प्राणी दिखाते हैं। गाइस ये देखिए कितना ज्यादा बड़ा बतख है, और इसके गले में जो थैली होती है इससे शिकार करता है मछली को, देख सकते हो। इसलिए ऊपर से पानी भी गिरा रहे हैं, और बहुत सारे उधर बतख देख सकते हो गाइस, और उधर पेड़ भी है। इसका थैली देखो कैसे ऐसे ऐसे हिल रहा है, देख वहां बड़ी वाली थैली है, देख देख, हाँ उधर बड़ी वाली थैली है, देख आवाज भी कर रहा है। गाइस ये है सारस पक्षी, और ये देखो एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हुआ है, और इधर इसकी इंफॉर्मेशन भी आप लोग स्टॉप करके पढ़ सकते हो। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। ये जू 1863 में बना था, करीब 150 साल पहले। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो ये कितना ज्यादा पुराना है। और आप लोग मेरे पीछे भी देख सकते हो, इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन कितने सारे पक्षी ऊपर चढ़े हुए है देखो। बड़े बड़े पक्षी देख लिए, अभी छोटे पक्षियों की सेक्शन आई है। इधर एकदम क्यूट क्यूट छोटे छोटे पक्षी है। तो आप चलो उधर, हम मैं तुमको लेके चलता हूँ, बहुत ज्यादा बढ़िया क्यूट, बहुत ज्यादा कलरफुल पक्षी है, चले चलते हैं। तो गाइस कितना ज्यादा बढ़िया पक्षी है देख सकते हो, इसको गोल्डन फिजेंट बोलते हैं। ये देखो दोनों देखो बात कर रहे हैं। और भाई तू कैसा है? मैं मस्त हूँ भाई, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ, और बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। कितना रंग बिरंगी है देखो,
ऐसा पक्षी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। देखो बहुत ज्यादा यूनिक डिजाइन है। और दूसरा भी देखो बात कर रहे हैं, देखो दोनों। मैं जब लोग दिखाता हूँ इतने ज्यादा बड़े ईगल, ये इसका पंख तो एक मेरे हाथ के जितना होता है, इतना ज्यादा बड़ा। अगर पंख खोले तो बढ़िया है, इसका एक पंख मेरे हाथ के जितना होता है, पूरा का पूरा हाथ। वो देखो कितना ज्यादा बड़ा है, आपको चेहरे में छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका पंख मेरे इतने हाथ जितना होगा, इतने। देखो इसका छोटा घर भी बनाया हुआ है, देखो ईगल का। गाइस आपको मैं बहुत ज्यादा मजेदार पक्षी दिखाता हूँ, ये देख सकते हो गाइस। ऊपर इसकी चोंच देखो गाइस, इसको इसको वैक वैक बोलते हैं गाइस, इसका नाम वैक वैक है। हाँ आपको लग नहीं रहा लेकिन इसका नाम सच में वैक वैक है, वैक वैक। इसकी चोंच देखो कितनी ज्यादा अजीब है, वैक वैक। इधर देख, वैक वैक। देखो गाइस कितना ज्यादा बढ़िया है, आप लोग भी जरा इधर विजिट जरूर से करना। तो गाइस ये इसको कूंज बोलते हैं हिंदी में और गुजराती में, इसको कूंज बोलते हैं। देखो गाइस कैसे क्वाक क्वाक करके आवाज करते हैं। तो गाइस ये कच्छ में बहुत ज्यादा आते हैं गाइस, इसकी मात्रा कच्छ में बहुत ज्यादा है क्योंकि उधर गर्मी है और इसके तालाब भी इतना सूख चुका है। देखो ये देखो वो क्या कर रहा है, देखो कितना आवाज निकल रहा है, क्वाक क्वाक। और ये देखो चल के आ रहा है, देखो पैर इतने ज्यादा बड़े होते हैं इनके। सब लोग मेरे पीछे देख सकते हो, ऊपर चीता चढ़ के बैठा हुआ है, ये देखो। ये तो नॉर्मल चीता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन ऊपर चढ़ के बैठा है, देखो देख रहा है सब लोग को। तो गाइस ये देखो आ रहा है हमारी तरफ। गाइस ये देखो ऐसे ही टहलने आया है बाहर, अभी फिर से ऊपर चढ़ेगा, देख लेना। आया आया देखो आया आया। गाइस कितना ज्यादा डेंजरस लग रहा है, उधर साइड गया। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डेंजरस शेर नहीं तो। ये देखो लेटी हुई है नीचे ऐसे आराम कर रही है, देखो सब लोगों को देख रही है, सो रही है। देख इधर देख, गाइस अभी मैं आप लोगों को शेर दिखाता हूँ, चलिए। हमने शेर नहीं देखी, अभी शेर देखिए। दो दो है गाइस इधर। ये देख सकते हो ये ट्रॉली जैसा है, तो 1936 में ये बनाया गया था जूनागढ़ के दीवान ने। तो इधर अगर किसी बाघ को कुछ अस्पताल में ले जाना हो, किसी जगह पे ले जाना हो, तो इसका यूज किया जाता था। इधर अंदर रख दिया जाता था, इधर खोल के और ऐसे इसको धक्के देके ले जाता था अस्पताल में या फिर दूसरे जू में। ये देख सकते हो गाइस आप। गाइस तीन एशियाटिक लायन ये देख सकते हो, पहले एक था फिर दो आया फिर तीन आ गया। उधर देखो कुछ बातें कर रहे हैं, एकदम खुफिया बातें देख सकते हो। भागने की प्लानिंग कर रहा है क्या? तो गाइस शेर किसको बोलते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो है शेर, वो जो तीन थे उसकी दाढ़ी काट ली थी उन लोगों ने, बियर्ड काट ली थी, तो ये बियर्ड वाला है। उधर फीमेल लाइन भी है देख सकते हो।
देखो गाइस वो नाखून साफ कर रहा था, देखो उसके छाया लेने उसके नीचे गया, देखो ये गाड़ी स्पेशल जो चल नहीं सकते उन लोगों के लिए है, लेकिन हम तो चल सकते हैं ना, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस मेरे पीछे कितनी ज्यादा हिस्टोरिकल जगह है, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, और इधर भी कितना बड़ा बंगला है, ये देखो गाइस बहुत ज्यादा पुराना महल है, ये बहुत ज्यादा बड़ा बंगला है ये, और इधर ट्रैफिक भी कितना जा रहा है, और उधर फोटो खींचने के लिए भी है, तो चलिए हम चलते हैं। गाइस बहुत ज्यादा सुंदर जगह है ये, और ये भी फोटो खींचने के लिए है, और वो भी उधर इधर से खड़े रह के खींच सकते हो। तो गैस ये देख सकते हो, मैं मेरे दोस्त के साथ उधर खड़ा हो चुका हूँ। गैस इधर ये बिल्डिंग है, और ये अलग बिल्डिंग थी, और ये अलग बिल्डिंग थी, इधर से पूरा काट चुका है, इधर कोई छत नहीं है, और इधर से अगर पैर दूंगा मैं गिर जाऊंगा नीचे, मेरा सर फूट जाएगा, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। चलिए अभी नीचे चलते हैं। इधर गैस पेड़ बहुत ज्यादा है, और इधर बहुत ज्यादा लोग आए हैं, इसलिए इधर की सीढ़ी पूरी मुड़ चुकी है। गैस तो देखो इधर की सीढ़ी पूरी की पूरी मुड़ चुकी है, इधर पूरा मुड़ चुका है। गैस तो गैस दूसरी जगह पे चलते हैं, चलो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अगर मगर बगल में मेरी मगर। तो गैस वो देख सकते हो मगर पेड़ के पीछे छुपी हुई है, दिख रहा है क्या, वो रही देखो मुंह खोल के बैठी हुई है। तो देखो ये अगर आपको फेक लग रही होगी लेकिन एकदम रियल है, और देखो ये दूसरी मगर एकदम हिल ही नहीं रही है, कोई भी जानवर इधर हिल तो रहा है, ऐसे मुंडी हिला रहा है, सब कुछ सिर्फ मुंडी हिला रहा है। तो अभी चलिए आगे चलते हैं। देखो गाइस नोटी कछुआ एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठे हुए है, वो देखो गाइस एक के ऊपर चढ़ का बैठा है, और इधर एक पानी में ऐसे ही मुंह डाला हुआ है देखो, और वो तो इसके ऊपर ही चढ़ के बैठ गया है। तो गाइस ये देखो इसको कहते हैं इगुआना, देखो कैसे जीभ निकाल रहा है अपनी, देखो इगुआना ग्रीन इगुआना, ये अपना कितना बड़ा है गाइस, सामने कितना बड़ा है देखो, चढ़ के बैठा है, और इधर देखो इसका गला देखो कितना ज्यादा लंबा है, 7 या फिर 8 है इधर इगुआना। अभी इधर चलते हैं, इधर होगा लिजार्ड, देखो इधर लिखा हुआ है लिजार्ड। तो गाइस ये करीबन 150 साल पुराना ये जू है, और इतना बड़ा ये जू है कि मैं चलते चलते थक गया, इधर रेस्ट करने के लिए लेटा हूँ, वैसे ही बैठा हूँ। तो देखो उधर पानी भी दे रहा है मशीन, तभी ऐसे ही बैठता हूँ थोड़ी देर, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो गाइस ये पोपट जो है वो हमारी नकल भी करता है, इधर लिखा भी आप लोग पढ़ सकते हो, ये देखो इधर लिखा है बिहेवियर में,
और गाइस ये इतना बोलता है लगता है मेरी मम्मी बोल रही है। बहुत ज्यादा ये चुप ही नहीं होता है, इसको घर में रखेंगे बोलते ही रहेगा, बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है। कुकड़ो कुक कुकड़ो कुक कुकड़ो कुक कितना बोलता है, चुप हो जा सातवीं फेल। तो गाइस इतने सारे बर्ड है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो 2 घंटे की ये वाली वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप लोग इधर रूबरू आके देख लेना सब कुछ, पूरी की पूरी 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी गाइस, अगर पूरा का पूरा पक्षी दिखा दूं तो। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हिप्पोपोटामस गेंडा, बहुत बड़ा गेंडा है गाइस, मैं दिखाता हूँ। गेंडा पानी के अंदर छुपा हुआ है लेकिन उसकी पीठ दिख रही हुई है, ये देखो, और देखो उधर लेटा हुआ है पानी में मुंह डाल के बैठा है, क्या वो नाराज है, एक एकदम पानी के एकदम अंदर है और ये ऊपर तैर रहा है, ऊपर ये गेंडा ऊपर तैर रहा है, देखो मुंह निकला, देखो दूसरा का मुंह भी निकला, देखो 2 गेंडे है कुल, एक बाहर है और एक अंदर है, कितना ज्यादा जायंट है, कितना ज्यादा बड़ा है गाइस, देखो इधर आया, इधर बाहर आएगा, देखना अभी बाहर आएगा, देखो आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ जा, बाहर आ जा, ऐसे भी बाहर आएगा, देखो दूसरे भी, देखो निकल रहा है बाहर गाइस, निकल जा बाहर, निकल जा, पहली फुर्सत में बाहर निकल गाइस, देखो कुछ सूंघ रहा है, कुछ खाने आया है, मतलब दोनों के दोनों खाने आए, देखो देखो वो बोल रहे हैं मैं खाऊंगा भाई, मैं खाऊंगा, देखो फिर से अंदर चला गया, वो गर्मी लग रही है उसको शायद से, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है उसको, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है शायद से, देखो देखो गया, देखो अंदर गाइस, चलिए अभी दूसरी जगह पे चलते हैं। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ओस्ट्रिच, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एग दिखाया था ओस्ट्रिच का सबसे बड़ा, वो अभी उधर है, तो चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ओस्ट्रिच, इसका एग आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने आपको दिखाया था। तो गाइस ये देखो, ये है ओस्ट्रिच, इसका गला देख सकते हो गाइस आप लोग, बस इसका गला इतना ज्यादा बड़ा है, पैर देखो उसका, सिर्फ पैर, इतना ज्यादा बड़ा पैर है उसका, देखो गाइस सबसे पक्षियों में सबसे ज्यादा हेवी यही पक्षी है, बहुत ज्यादा मोटा होता है, गेंडे की तरह होता है, और वजन तो गेंडे का ज्यादा होता है गाइस, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा है गाइस, ये गाइस उड़ नहीं सकता है ये, तो गाइस ये देख सकते हो ये एग है जो स्टार्टिंग में दिखाया था, वो वैसे ही एकदम सेम टू सेम वही है, और उसने लेकिन उसके पास रखा, उसने हैच किया हुआ है, अभी थोड़े महीने में वो बाहर भी आ जाएगा, वो तब हम देखने आएंगे, जरूर से देखने आएंगे। अभी इधर 3 है, 3 ऑस्ट्रिच है, और ये सबसे ज्यादा फास्ट भागने वाला पक्षी है गाइस ये। देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया है, ये इसको टाइगर के बदले लिया गया है, तो गाइस इसका नाम कांगारू है, कांगारू तो ये फाइटिंग करने में भी माहिर होते हैं, इधर इसकी थैली होती है। इधर जानवर को देखने के अलावा इधर फोटो शूट भी कर सकते हैं आप लोग, मेरे पीछे एकदम सुंदर सी जगह देख सकते हो,
तो बहुत ज्यादा सुंदर जगह है वो, बहुत ज्यादा मस्त है। तो गाइस ये देख सकते हो मैं उसके ऊपर चढ़ चुका हूँ, ये देख सकते हो मेरे पीछे, और ये ऐसा गिरते गिरते बचा। गाइस बहुत ज्यादा सुंदर जगह है, और इधर झूला झूलने भी, झूला झूलने की भी है, तो उधर भी लेके चलता हूँ मैं तुम्हें। इधर देखो गार्डन है गाइस, ये देख सकते हो इधर बैठने की जगह है वगैरह वगैरह। इधर आप लोग अगर आपको कुछ भी करना है बैठ सकते हो, लेट सकते हो, बेंच के ऊपर बैठ सकते हो, बहुत ज्यादा सुंदर जगह। तो चलिए अभी चलते हैं झूले की तरह। देखिए गाइस मैं हिरन के पास बैठ चुका हूँ। ये है हिरन, ये वन हिरन, ये टू हिरन, इसका नाम है हिरन हिरन और इसका नाम है हिरन हिरन। तो गाइस ये देख सकते हो किसने इसको तोड़ दिया है, तोड़ा मत करो। और ये देखो उसको, उसको भी तोड़ दिया है नीचे, देखो तो बहुत ज्यादा सुंदर जगह है। तो चलिए अभी उधर चलते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल एंड टेक केयर एंड बाय बाय। होली मुबारक। ओए ऊपर भाई, भाई ये क्या हुआ? पूरी तरह गीला गाइस, मेरा भाई ने मुझे पूरी तरह गीला कर दिया। ये देखो पूरे का पूरा गीला कर दिया मुझे। अमर, अमर, अमर।